अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मुदसिर भाई के साथ में हम लोग अड्डारे अरकम गोट फार्म एंड काफ़ी एक एग्रेसिव बकरा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सो आपके जो पलाई के बकरे हैं, आई थिंक उसमें से एक देख रहे हैं हम लोग, और जो जेंटलमैन है प्लीज़ उनको इंट्रोड्यूस करिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। ये बकरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अभी पलाई पर है, अब तकरीबन 6 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हो गए जी। ये भाई का बकरा अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने पास 6 महीने से माशाल्लाह पड़ रहा है। ग्रोथ वगैरह इसकी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। और इसके अलावा ये बकरी की खासियत है कि जो अक्सर अपन ये देखते हैं, जो बेसिकली मतलब इंटरनेट पे जो वगैरह फ़ोटो पे आती है, और बकरे का जो फ्रंट का हिस्सा दिखाया जाता है, तो देखो ये चेस्ट, इसको बोलते हैं चौड़ी छाती का बच्चा जी। अक्सर अपन ने सोचे कि डबल हड्डी क्या होती है, ये होती है भाई डबल और सिंगल और ट्रिपल हड्डी तो नहीं होती, बकरे में एक ही हड्डी होती है भाई, ठीक है। पर इसमें क्या है कि चौड़ी छाती क्या सर, किसके 56 नहीं है, मेरे को लगता है ये 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बोल दो। तो माशाल्लाह ये बकरे की जो जान है बेसिकली देखेंगे, जो अपने चेस्ट वगैरह है उसका, जो चेस्ट में ये देखिए ये बच्चे का सीना, पैरों का क्या मजबूत बकरा है भाई, पैरों का भी एकदम माशाल्लाह मजबूत बच्चा है। वाइट आइस, आइज देखो उसकी, वाइट आइज, लॉन्ग लेंथ, बहुत अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर का माशाल्लाह। जानवर भी माशाल्लाह बहुत चंचल है, सही। अप्रोक्सीमेटली 92 केजीज का ही है, सही है। कुर्बानी तक इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये 100 हो जाएगा। बहुत नायाब है भाई, चीज़ अलग ही है। अभी जैसा वो रस्सी अपन छोड़ देंगे तो अपन को वो बुरा है, देखो रस्सी होल्ड करने के बाद माशाल्लाह इतना एग्रेसिव बच्चा है। तो मुदसिर भाई काफ़ी मुश्किल से पकड़ के लाए इसको वापस से। अरे चीज़ ही ऐसी है, जानवर ही ऐसे है माशाल्लाह। अपना छोटा भाई था जैद जी, कुछ बोलना चाहता था तो मैंने बोला थोड़ा तू बोल दे जी। तो जैद भाई आप बताइए थोड़ा बकरे के बारे में, कब से है पलाई पे यहाँ पर? चलो ये 6 महीने से अभी अपने पास जी। मुदसिर भाई के पास रखा था माशाल्लाह, अच्छा गेन हो गया वेट के। क्या वेट पे आया था और आपको कैसा ग्रोथ लगा इसका? 60 kg पे भेजा था मैंने जी, 6 महीने में हो गया है, 6-7 महीने में जी। अभी है 92 kg पे। अंडुल कम वैसे ग्रोथ करते हैं, वाइट आइज में है जी, लेंथ भी अच्छी लिया है, बहुत अच्छा। आपने इसको हैदराबाद से परचेज किया था, मुंबई से? राजस्थान से लाया था, मेरे घर का ही है। अच्छा, चेहरे मोरे का बहुत अच्छा। और जो चेस की आपने बात की ना, ये हकीकत है, कोई मतलब सोचता नहीं है इतना, वो चौड़ी छाती का बच्चा ही चौड़ी छाती का, देखो ना माशाल्लाह। तो क्या आपको अभी ये देना है आगे सेल करना? सेल है सही, तो किसी को भी चाहिए तो मुदस्सी भाई से कांटेक्ट कर लें। सो मुदस्सी भाई इसका रेट वगैरह आपको बता देंगे। कितने दांत पे वैसे? अभी ये 6 दांत पे। तो आपने कभी ब्रीडिंग ली है इससे? नहीं, ब्रीडिंग अभी नहीं। तो किसी को एज अ ब्रीडर चाहिए तो भी देख सकता है, है ना? अच्छा गर्म बकरा है माशाल्लाह, और वेट भी बहुत ही अच्छा है। मुदसिर भाई आप पे गरम नहीं होएगा वो? नहीं, अब अपन गरम करेंगे नहीं, अपनी पर्सनैलिटी नहीं करने वाली है। ऐसे बच्चों को अपन मोहब्बत वाला बच्चा, ऐसा नहीं है कि वो गरम हो जाएगा, गरम करेंगे जानवर को तो गरम होएंगे, अपन मोहब्बत रहेंगी तो मोहब्बत रहेंगे। देखो ना क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। सही है, तो आप रिकमेंड करेंगे किसी को पलाई पे रखना है डारे अरकम? तो माशाल्लाह इनकी पलाई तो बहुत अच्छी है जी, मैं चाहता हूँ आप इनके पास ही रखें। तो आपने मुरबाड़ में दिया था इन्होंने? मुरबाड़ में। सही, हटाया नहीं इनके पास, पूरा साल इनके पास। सही है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला ना, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये बकरा भी दिखाया आपने, थोड़ा इसको खोल के घुमा के भी दिखा देंगे, देन इसको अंदर ले जाएंगे हम। ठीक, इसका नाम मैं शायद पूछना भूल गया, क्या नाम है? शेरू। सो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है शेरू को ख़रीदने के लिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें दारे अरकम गोट फार्म। जय।